प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं 75 जिलों की 75 खबरों की। गाजियाबाद में कौशाम्बी एरिया का भूजल दूषित, रेजिडेंट्स एसोसिएशन की अपील, बोतल बंद पानी पिए, डीएम बोले भूजल की दोबारा होगी जांच। और आइए, में स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार, पहले की अपेक्षा वर्तमान में बेहतर और सुविधाजनक हो रहा है। बदायूं में कांवड़ियों के ट्रैक्टर ट्रॉली में प्राइवेट बस ने मारी टक्कर, हादसे में कांवड़िए और बस में सवार सवारी सुरक्षित। बलिया में अधेड़ के चाकू मारकर हत्या, मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी। बरेली में 10 से 12 बदमाशों ने परिवार को बनाया बंधक, 20 मिनट में करीब 1,00,000 लूट को दिया अंजाम। बुलंदशहर में किसानों ने, यूनियन ने दिया प्रदर्शन, एसडीओ को बंधक, अधिकारियों के आश्वासन के बाद धरना प्रदर्शन किया खत्म। बदायूं में बेकाबू ट्रक घर में घुसा, पलक झपकते ही मलबे में तब्दील हुआ गरीब का आशियाना, लाखों का नुकसान। बरेली में पति पत्नी में हुए विवाद में पत्नी ने पति पर फेंका तेजाब, सूचना के बाद पुलिस ने उपचार हेतु सीएचसी में कराया रेफर। देवरिया में अग्निपथ योजना के समाप्त करने के लिए कांग्रेस का प्रदर्शन, पुलिस से हुई धक्का मुक्की। फरुखाबाद में दबंगों की पिटाई से घायल हुए बाइक सवार की हुई मौत, मृतक का शव घर पहुंचते ही मचा कोहरा। बदायूं में आगामी त्योहार को लेकर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और जिलाधिकारी ने की बैठक, बैठक में मोहर्रम को लेकर हुई चर्चा। आगरा में भाजपा युवा मोर्चा की और योजनाओं को किया जा रहा है प्रशिक्षण शिविर, किया गया आयोजन, 3 दिवसीय इस शिविर में मुख्यमंत्री होंगे शामिल। गाजीपुर में बीएसपी सांसद अफजाल अंसारी की बड़ी मुश्किलें, एमपी एमएलए कोर्ट ने गैंगस्टर मामले में मुक्त करने का प्रार्थना पत्र कोर्ट से किया खारिज। गाजियाबाद में सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो, आकाश को पड़ा भारी, मसूरी पुलिस ने आकाश को किया गिरफ्तार। गोंडा में बढ़ते जल स्तर को देखते हुए जिले के आला अधिकारी की समीक्षा बैठक, बैठक में बाढ़ से निपटने के लिए दिया सख्त दिशा निर्देश। हरदोई में सपा कार्यालय में काम करने वाली महिला का आरोप, जिला अध्यक्ष रखते हैं गंदी नजर, डिंपल यादव से भी की शिकायत। कानपुर में काली मूवी के बाद अब द वीक में छपी भगवान शंकर और मां काली की अश्लील तस्वीरें। सपा के संस्थापक सदस्य जनेश्वर मिश्रा की आज 90 पुण्यतिथि, इस अवसर पर अखिलेश यादव जनेश्वर मिश्रा की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित करते आए नजर। श्रावस्ती में आगामी कजरी तीज मेला कांवड़ यात्रा को लेकर डीएम ने की बैठक, बैठक में डीएम ने कहा अधिकारी सभी व्यवस्थाएं चुस्त दुरुस्त रखें। वाराणसी में मुख्यमंत्री ने मंडलीय समीक्षा बैठक के दौरान जनप्रतिनिधियों से विकास कार्यों की जानी हकीकत, कार्यवाही के लिए पुलिस अधिकारी को दिया निर्देश। अलीगढ़ में एबीवीपी के बैनर तले डिग्री कॉलेज के छात्र छात्राओं का प्रवेश पत्र के नाम पर अवैध वसूली को लेकर जोरदार प्रदर्शन, वीसी कार्यालय का किया घेराव। कानपुर में मोहर्रम जुलूस पर और जुम्मे की नमाज को देखते हुए पुलिस प्रशासन सख्त, हर चौराहे पर सीसीटीवी कैमरे से हो रही निगरानी। आगरा में ट्रैफिक में तैनात कांस्टेबल ने गोली मार कर की आत्महत्या, मृतक कुबेर सिंह ट्रैफिक में थे क्रेन चालक। अलीगढ़ में दबंगों ने अवैध तमंचे के बल पर युवक से बाइक छीन कर हो गए फरार, मामले की जांच कर रही पुलिस। अयोध्या के रामनगरी में राम मंदिर निर्माण के शिला पूजन को 2 वर्ष पूरे, राम मंदिर निर्माण समय से होगा पूरा, जल्द ही राम भक्त करेंगे रामलला के दर्शन। बुलंदशहर में डीएम ने आधी रात को किया गौशाला का औचक निरीक्षण, आधी रात में डीएम को सड़कों पर देख अधिकारियों में मचा हड़कंप। आगरा में अवैध संबंधों के चलते हत्या को दिया अंजाम, पड़ोसियों पर है हत्या का आरोप, आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। अलीगढ़ में चोरों ने मकान पर किया हाथ साफ, ज्वेलरी और 40,000 उड़ाए, पीड़ित परिवार ने पुलिस को दी लिखित शिकायत, पुलिस जांच पड़ताल में जुटी। बुलंदशहर में 2 बाइक की आमने सामने भिड़ंत, हादसे में 1 बच्चा सहित 5 लोग घायल, नैथला हसनपुर के पास की घटना।
फरुखाबाद इटावा बरेली हाईवे पर पैदल जा रहा कांवड़िए को ई रिक्शा ने मारी टक्कर, टक्कर लगने से कांवड़िया हुआ गंभीर रूप से घायल। फतेहपुर में ड्यूटी के दौरान महिला कांस्टेबल की मौत, 2020 बैच की महिला सिपाही बेबी पाल अलीगढ़ की रहने वाली है, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। आगरा में एक व्यक्ति को दी गई तालिबानी सजा, गोली मारकर तन को सिर से किया जुदा, मौत के घाट उतारने वाला निकला भाजपा नेता। फरुखाबाद में सपा नेता जितेंद्र सिंह यादव के मुकदमे को पुलिस ने जांच के बाद किया खत्म, हत्या की साजिश रचने का आरोप था। गोंडा में गंदे के खेत में मिला युवक का शव, मौके पर सीओ थाना अध्यक्ष और चौकी प्रभारी पुलिस बल के साथ मौजूद। कानपुर के कल्याणपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत हुआ भीषण सड़क हादसा, तेज रफ्तार से आ रही कार ने दूसरी कार को मारी टक्कर। प्रतापगढ़ में राजा भैया के पिता हुए हाउस अरेस्ट, भद्री महल के बाहर भारी पुलिस बल तैनात, तहसील मुख्यालय पर धरने पर बैठे थे उदय प्रताप सिंह। लखनऊ में बच्चों को स्कूल ले जाते समय हुआ बड़ा हादसा, रेलवे लाइन पार करते समय ट्रेन की चपेट में आने से दो की मौत। सांड लड़ते हुए पहुंचे ज्वेलर्स की दुकान, काम करने वाला युवक हुआ घायल, एक मिनट बाद दुकान से निकला बाहर। सुल्तानपुर में जीवित होगी गोबर से लठ बनाने की योजना, सांसद मेनका गांधी ने डीएम को दिए निर्देश, मशीन खरीदने में जुटे अधिकारी। गाजीपुर में कर्मचारी नेताओं ने अनूठे अंदाज में जताया विरोध, पौधारोपण कर बुलंद की पुरानी पेंशन बहाली की मांग, बोले लड़ते रहेंगे लड़ाई। देवरिया में बंधे पर मृत मिली युवती के हत्यारे गिरफ्तार, मृतका के प्रेमी की पत्नी ने अपने प्रेमी संग घटना को दिया अंजाम। महंगाई पर कांग्रेस का देश भर में प्रदर्शन, रायबरेली में कांग्रेस नेताओं की पुलिस से झड़प, सैकड़ों कार्यकर्ताओं को पुलिस ने लिया हिरासत में। अखिलेश बोले तिरंगा के बहाने भाजपा दंगा करा सकती है, सीएम के भोलेनाथ पर बाल्टी से दूध चुराया, हमको पैकेट वाले पर जीएसटी देनी होगी। थाने के चौकीदार के विरुद्ध महिलाओं ने लगाए नारे, डीएम कार्यालय के सामने किया प्रदर्शन, बोली महिलाएं हमारे पतियों को फंसा रहा चौकीदार। कानपुर में हालत के बाल रोग विभाग में बढ़े मरीज, विभाग में 65 बेड, एनआईसीयू पीआईसीयू में यूनिट बढ़ाई गई। सिद्धार्थनगर में मानसूनी वर्षा से बढ़ा राप्ती का जलस्तर, 24 घंटे से लगातार बढ़ रही है नदी, शाहपुर भोजपुर बांध। सुल्तानपुर में कांग्रेसियों का प्रदर्शन, कलेक्ट्रेट के पास किया रोड जाम, पुलिस ने कांग्रेसियों को हिरासत में लिया। आजमगढ़ के बूढ़नपुर में प्रेम प्रसंग में विवाहिता की हत्या, सरयू किनारे मिली लाश, 13 मई को हुई थी शादी, एक सप्ताह पहले हुई थी गई थी मायके। चंदौली में सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ता गिरफ्तार, केंद्र और प्रदेश सरकार की नीतियों के विरोध में किया सड़क जाम, जमकर बोला हमला। हमीरपुर में पुलिस का हाल बेहाल, रहने के लिए नहीं मिला सरकारी आवास, से टूटी बिल्डिंग में डाल रहे डेरा। रामपुर की पीड़िता ने सीएम से की पुलिस की शिकायत, नामजद खुलेआम दे रहे धमकियां, पीड़िता ने 5 के खिलाफ FIR कराई दर्ज। सड़कों पर घूम रहे छुट्टे जानवर बनते जा रहे मुसीबत, हादसे के बावजूद नहीं जाग रहा स्थानीय प्रशासन, स्थानीय दुकानदार परेशान। उन्नाव में किसान की मौत, पैर फिसलने से तालाब में गिरा व्यक्ति, गांव के लोग बोले हत्या की गई। जौनपुर में गौ तस्करी में शामिल दो पुलिसकर्मी हुए सस्पेंड, जौनपुर में तस्करों की गाड़ी करवाते थे पार, SSP ने की कार्रवाई। प्रयागराज के करछना थाना अध्यक्ष निलंबित, कंधे पर बेटे का शव ले जाने वाले को बताया था नौटंकी, ऑडियो सुनकर SSP ने की कार्रवाई। फिरोजाबाद में महंगाई को लेकर कांग्रेसियों का धरना प्रदर्शन, जिला अध्यक्ष समेत कई कांग्रेसी घर में किए गए नजर बंद। कन्नौज में स्कूल के बाहर नहीं खुलेगी पान मसाले की दुकानें, डीएम बोले खुली मिलने पर होगी कार्रवाई, स्कूल में बच्चों की पिटाई पर भी लगे रोक। महंगाई बेरोजगारी के विरोध में सड़क पर उतरी कांग्रेस, गोरखपुर में सड़क पर लेट कांग्रेसियों ने किया रोड जाम, पुलिस ने की गिरफ्तारी। अंबेडकर नगर में राष्ट्र किसान मजदूर संगठन का धरना, ARTO कार्यालय और DSO कार्यालय में फैले भ्रष्टाचार को रोकने की मांग। लापरवाही से गायब हुआ था इंजीनियर का बैग, अधिकारियों की डांट से बचने के लिए दे दी लूट की तहरीर, जांच में खुलासा।
ललितपुर में महंगाई के विरोध में सड़कों पर उतरे कांग्रेसी, पुलिस और कांग्रेसियों के बीच धक्का मुक्की, कहा जीएसटी और केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन। कौशाम्बी में 8 नहीं 2 गायों की हुई थी मौत, सीजीओ की जांच में हुआ खुलासा, पशु चिकित्सा अधिकारी की लापरवाही आई सामने। बागपत में बुजुर्ग को लाठी से पीटने का वीडियो आया सामने, मंदिर के रास्ते से लकड़ी हटाने को लेकर विवाद, दोस्त उकसाता रहा और बनाता रहा वीडियो। आजमगढ़ महंगाई को लेकर कांग्रेस ने प्रदर्शन कर दी गिरफ्तारी, देश को गुजरात के व्यापारियों को लूटने से बचाना है। पीलीभीत में 2 समुदायों के बीच चले लाठी डंडे, 6 लोग घायल, पुलिस की लापरवाही आई सामने। खेल खेल में बच्चों में हुआ था विवाद। भदोही में विष्णु मिश्र पर आर्म एक्ट का मुकदमा दर्ज, AK-47 की बरामदगी को लेकर जांच जारी, 13 साल पहले मिर्जापुर में पुलिसकर्मी से लूटी गई थी। सरकारी हॉस्पिटल का डीएमओ और एडीएम ने किया निरीक्षण, डीएम ने सुविधाओं को दुरुस्त करने को लेकर दिए निर्देश, मरीजों से जाना हाल। महंगाई बेरोजगारी को लेकर हापुड़ में कांग्रेसियों का प्रदर्शन, कांग्रेस नेता ने कहा सरकार ने ईडी के साथ साठगांठ कर नेशनल हेराल्ड का ऑफिस सील किया। गुना में जिला अस्पताल के नेत्र विभाग में लगा ताला, 6 चिकित्सकों के स्थानांतरण के बाद नहीं आया कोई चिकित्सक, मरीजों को हो रही परेशानी। अमरोहा में जहरीला चारा खाकर 61 गौवंशों की मौत, ताहिर से पहली बार खरीदा गया था चारा, हत्या की साजिश के आरोप। कांग्रेस ने महंगाई के खिलाफ बोला हल्ला, कानपुर में प्रदेश सचिव समेत प्रदर्शन कर रहे कांग्रेसियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। पीलीभीत में युवक ने फांसी लगा कर दी जान, परिवार के लोगों ने कहा मौत का कारण पता नहीं है, पुलिस कर रही जांच। सोनभद्र के रेणुकूट पिपरी में संयुक्त चिकित्सालय खोलने की मांग, सीएम योगी को किया ट्वीट, आसपास ग्रामीण क्षेत्र की लाखों की आबादी। जालौन में महंगाई के खिलाफ कांग्रेस प्रदर्शनकारी बोले मोदी है तो महंगाई मुमकिन है, रास्ते पर लगाया जवाब। महाराजगंज में आजादी के अमृत महोत्सव की धूम, मुस्लिम समुदाय के युवाओं ने की तिरंगा निकालने की यात्रा, स्कूली छात्रों को दिया देश। पिछहत्तर जिलों की 75 खबरों में फिलहाल इतना ही, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं।